स्वागत तो है स्टूडेंट आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन के लिए जो की तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें पूरा देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें देखिए कार्य पत्र में आपको दिया गया दक्षता दे रखिए परिमाप को समझ पाना और दी गई का परिमाप तो आप सबसे पहले आपको परिमाप की जो अवधारणा है वो समझ में आनी चाहिए परिमाप का मतलब होता है माप परिमाप का मतलब क्या होता है परी प्लस माप परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब माप तो आप जानते हो चारों तौर की लंबाई जो होती है चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं तो यहां पर देखिए दिए दे गया परिमाप बताएं ये आपको आयत है इसका परिमाप बताना है नहीं। चार बुझाई हैं सबको जोड़ दो चार दो छह चार दस दो बारह तो इसका परिमाप कितना आ गया बारह सेमी यहां पर भी जोड़ना है तो तीन तीन छह पांच ग्यारह और यहाँ पर देखिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझे देखिए ये दो से है इतनी इतनी तो ये कितनी आ जाएगी एक क्योंकि ये पूरी कितनी है तीन सीमी आपको सब बुझाओं को जोड़ना है और ये कितनी है देखो ये पूरी पांच सीमी है नीचे वाली तीन सीमी तो ये कितनी आएगी कि दो सेमी तो सब बुझाओं का आपको जोड़ना है देखो तीन तीन छह पांच ग्यारह एक बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह और तीन उन्नीस तो इसका परिमाप कितना जाएगा? उन्नीस सेमी ऐसे इसका निकालना है चार तीन सात और सात ये हो गए चौदह तो जाएगा चौदह सेमी अगली आकृति दी गई यहां पर आपको ध्यान से देखना देखो ये दो सेमी यानी दो डब्बे दे रखे हैं दो सेमी फिर ये एक सेमी तीन हो गया फिर ये चार हो गया फिर तीन हो गया सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह और तीन सोलह ये सत्रह और अठारह तो इसका परिमाप कितना आएगा अठारह सेमी तो इस तरीके से हम परिमाप निकाल देंगे अगली आकृति दी गई आपको हल करें यहां पर त्रिभुज दिया गया तीन बुझाए हैं बारह 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 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा छत्तीस सेमी यहां पर देखिए पांच बुझाए हैं सब सात सात सेमी के तो जोड़ेंगे कितना आएगा पैंतीस सेमी इसका परिमाप आ जाएगा यहां पर भी सब सात सात बुझाए हैं और टोटल कितनी बुझाए देखो एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ है जोड़ेंगे तो कितना आएगा छप्पन सेमी आएगा यहां पर देखिए चार बुझाए हैं ये अठारह और पंद्रह तैतीस और अठारह पंद्रह तैतीस 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 कितने हो गए छियासठ सेमी तो इसका परिमाप कितना हो गया छाछ सेमी देखिए अब नीचे कुछ आयताकार और लगा आकृतियों की माप दिए गए सभी का परिमाप बताइए देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है तो आयत ऐसे होता है इस तरीके से जिसमें दो तो क्या होती हैं लंबाइया होती हैं ये दोनों क्या हैं लंबाइयां है। और ये दोनों क्या हैं चौड़ाइयां तो लंबाई यहाँ पर अड़तालीस है तो ये भी कितनी आएगी अड़तालीस चौड़ाई आपको साठ दे रखी है तो ये साठ है तो ये भी कितनी आएगी साठ यानी दो बार लंबाई जोड़ी जाती है और दो बार चौड़ाई जोड़ी जाती है या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को एक बार जोड़ दें फिर दो से गुणा कर दें तो आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र यही होता है दो गुणा ब्रेकेट में आता है लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के आपको दो से गुणा करना है तो साठ और अड़तालीस को हम जोड़ेंगे तो आएगा एक सौ आठ तो दो को एक सौ आठ से हम गुणा कर देंगे यानी एक सौ आठ को दो से गुणा कर देंगे तो कितना परिमाप आ जाएगा दो सौ सोलह सेमी, ऐसे पर करना चौवालीस चौवालीस को दो से गुणा कर देंगे तो, सेमी. से तो अट्ठासी सेमीप हो गया इसका और ऐसे साठ साठ एक सौ बीस लंबाई चौड़ाई को जोड़ा एक सौ बीस फिर दो से गुणा कर देंगे तो दो सौ चालीस सेमी तो इस तरीके से मेन आकृतियों का क्या करना है

सॉरी uh, ये है छह सेमी इधर वाली ये बुझा कितनी है छह सेमी ये दस आ गई तो छह सोलह फिर ये आपको छ पर है तो सोलह से बाईस बाईस दस बत्तीस बत्तीस नौ इकतालीस इकतालीस छतालीस सैतालीस छह त्रेपन और तिरपन में दस जोड़ देंगे तो तिरसठ तो इसकी आकृति का परिमाप कितना आ गया तिरसठ सेमी चौथा भाग आपको यहाँ पर दिया गया है तेरह 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 चार बार तेरह देर का है तो ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो बावन तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कौन है? से क्या पूछा है आकृति का परिमाप तेसठ सेमी तो कौन सी का है? इसका त्रेसठ सेमी है तो इसको टिक कर देंगे बाकी सबको क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे नीचे दिया गया है नीचे घर के कोने का नक्शा नक्शे का परिमाप बताए देखिए ये एक नक्शा दे रखा है इसका परिमाप बताना तो सब का आपको जोड़ देना तो जोड़ने पर कितना आएगा अड़सठ सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर एटी टू बिल्कुल सिंपल से एटी वन में आपने परिमाप पढ़ा एटी टू में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे

वर्ग तो लगाना ही है इकाई की जगह सेमीमीटर जो भी होगा वो लगा देंगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो वर्ग इकाई लिखेंगे इसको हम देखते हैं तो देखिए एक दो तीन चार पांच भाग है इसमें तो पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस और दो ये हो गए सत्ताईस इस, तो इसका कितना हो गया सत्ताईस इस। ऐसे इसका देखना है तो एक दो तीन तीन तो ये हो गए चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो इसका कितना हो गया तेरह वर्ग इकाई ऐसे आपको दूसरा दिया गया कि ताकत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो इसमें टोटल कितने भाग है बीस है इसके कितने आएंगे इक्कीस आएंगे इसके सोलह आएंगे इसके पंद्रह आएंगे आप बिल्कुल इनको गिन के करें मैंने ये गिन के लिखा हुआ है तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है यहाँ पर तो देखिए इसका लिख देंगे हम बीस इसका हो जाएगा इक्कीस इसका, इसका हो गया सोलह और इसका हो गया पंद्रह तो सबसे कम तो पंद्रह सबसे अधिक क्या है इक्कीस तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है इक्कीस है और कौन सी आकृति का है तो आकृति नंबर खय हो जाएगी यहाँ पर पता है इक्कीस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो खय वाली आकृति का अगला है दीघी आकृति में बताइए किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है तो यहां पर भी आपको देखना है जोड़ना है देखो एक दो तीन चार पांच भाग तो पूरे हैं और इन दो को मिला देंगे तो छह हो जाएगा और इन दो को मिला देंगे सात हो जाएगा एक ही आठ टोटल तो, इसका क्षेत्रफल कितना है आठ ऐसे इसका नौ हो जाएगा इसका सात हो जाएगा इसका पंद्रह हो जाएगा तो किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर वाली आकृति है उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है कौन सी आकृति का घाय वाली का और कितना ज्यादा है तो सबसे कम सात है सबसे अधिक पंद्रह ज्यादा हो गया आठ वर्ग इकाई ज्यादा हो गया क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई हम लगाएंगे अगला है घट बढ़ते से घटते क्रम में यानी सबसे पहले बड़ी तो ये जितनी भी आकृति दी गई है आपको ए बी सी डी ई एफ इनका आपको क्षेत्रफल निकालना है पहले देखिए इसमें कितने भाग है एक दो तीन चार पांच इसका पांच हो गया ऐसे इसका नौ आएगा इसका बारह आएगा इसका दस आएगा इसका भी दस आएगा दोनों का सेम ही है यहाँ पर आपका कितना हो गया पंद्रह तो बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है पहले पंद्रह लिखेंगे यानी एफ आकृति लिखेंगे उसके बाद में से कम किसका है सी का है बारह तो यहां पर सी आ जाएगा डी और ई दोनों बराबर है तो आप कैसे भी लिख सकते हो डी और ई उसके बाद में बी आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा इसके अंदर देखते हैं कार्यपत्रक एटी थ्री दी गई आकृति का क्षेत्रफल बता पाना देखिए वर्ग है ये क्या करती है वर्ग दी गई है आपको सभी के सभी तो वर्ग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो जितनी वर्ग की आपको भुजा दी गई है उसको उसी से गुणा कर दो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा गुणा भुजा देखिए इसकी चौदह सेमी दे रखिए तो चौदह को चौदह से गुणा करेंगे हम तो आएगा एक सौ और वर्ग सेमी लगाएंगे क्योंकि सेमी दे रखा तो छेमी लगाएंगे ये आठ है तो आठ तो को आठ से गुणा करेंगे कितना आएगा चौसठ सेमी हो जाएगा इसका ये तीन सेमी तीन को तीन से गुणा करेंगे तो नो सॉरी चौसठ वर्ग आएगा यहां पर चौसठ वर्ग सेमी ऐसे इसका हो गया No वर्ग सेमी पेन का कलर चेंज कर देते हैं नेक्स्ट आकृति में आपको यहाँ पर तेरा दिया गया तो तेरह को तेरा से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा वन सिक्सटी नाइन एक सौ गुणहत्तर वर्ग सेमी आपको क्षेत्रफल के आगे वर्ग सेमी लिखना जरूरी है मीटर है तो मीटर में लिख सकते हैं यहाँ पर अठारह दिया गया तो अठारह को अठारह से गुणा करेंगे तो ये आएगा अठारह को अठारह से गुणा करने पर होता है तीन सौ चौबीस वर्ग सेमी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बस आपको केवल जो भुजा दे रखिए भुजा को भुजा से गुणा करना है तेरह को तेरह से गुणा करेंगे एक सौ गुणहत्तर वर्ग से आएगा पच्चीस को पच्चीस से करेंगे छह सौ पच्चीस वर्ग से भी आएगा तेईस को तेईस से करेंगे तो ये होता है पांच सौ गुणतीस वर्ग से आ जाएगा इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल देंगे अगला बताइए किस वर्गकाराकृति का क्षेत्रफल तीन सौ एकसठ कौन सी को हम गुणा करेंगे तीन सौ है देखो तेईस को तेईस से गुणा करें ये तो एक सौ तेईस है एक सौ तेईस को एक सौ तेईस से गुणा करेंगे तो तीन सौ इसठ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा दस को दस से गुणा करें तो सौ आता है ग्यारह को ग्यारह से गुणा करें तो एक सौ इक्कीस आता है हमें कितना लाना है तीन सौ इसठ तो उन्नीस को उन्नीस से गुणा करेंगे तो तीन सौ इकसठ आएगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए वर्ग क्षेत्रफल आपको दिखा के सही बुजापाना देखिएफल एक सौ चौवालीस यानी कौन सी आपस में गुणा करेंगे एक सौ चौवालीस है दस को दस से गुना सौ आता है तेरह का तेरह एक सौ होता है चौदह का चौदह एक सौ छियानवे होता है तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा बुझा क्या आएगी बारह से बारह को बारह से गुणा करेंगे तो एक सौ चौवालीस आएगा ऐसे दो सौ पच्चीस तो ये होता है पंद्रह का चार सौ इकतालीस ये होता है इक्कीस का अगला एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल छह सौ पच्चीस वर्ग मीटर है यानी क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना है छह सौ पच्चीस तो छह सौ पच्चीस किसको गुणा करने पर आता है कौन सी संज्ञाओं को आपस में गुणा करें तो ये होता है पच्चीस को पच्चीस से गुणा करने पर खेत की भुजा कितनी आ जाएगी पच्चीस वैसे इसका एक दूसरा तरीका है कि छह सौ पच्चीस का हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है क्या निकालना पड़ता है वर्गमोल टुकड़े करेंगे पांच का भाग देंगे एक सौ पच्चीस बार जाएगा फिर पांच का देंगे पच्चीस बार जाएगा फिर पांच का देंगे पांच बार जाएगा फिर पांच का जाएगा एक बार पांच यहाँ पर कितनी बार आया चार बार है तो वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो के जोड़े बना के उसमें से एक एक तो वर्गमूल हो जाएगा पांच गुणा पांच पच्चीस निकाल सकते हैं, देखते हैं आगला नंबर 14. आगला का कितना तो परिमाप आप बता सकते हो सारों को क्या करना आपको जोड़ना है तो सोलह सोलह बत्तीस 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 चौसठ चौसठ और सोलह जोड़ेंगे तो कितना आएगा अस्सी मीटर नेक्स्ट आकर परिमाप याद कीजिए देखिए नौ नौ अठारह अठारह और दस अट्ठाईस हो गया इसका इसका देखिए हम पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस हो गया इसकी देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ गुजे हैं तो चौसठ हो तो जाएगा सबको जोड़ देंगे और यहाँ पर में हम देखेंगे पच्चीस पच्चीस पचास और बीस सत्तर और बीस नब्बे तो इसका परिमाप कितना आ गया नब्बे सेमी नेक्स्ट देखते हैं आकृति का क्षेत्रफल किसका सबसे अधिक है सही का निशान लगाएं क्षेत्रफल देखना है आपको गिनना है वर्गों को एक दो तीन चार पांच छह सात आठ इसका क्षेत्रफल है आठ इसका एक दो तीन चार पाँच छह है इसका देखें एक दो तीन चार पाँच छ इसका भी छ है एक दो तीन चार इसका कितना चार तो सबसे ज्यादा किसका है इसका है तो इस पर हम टिक लगा देंगे नेक्स्ट दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताना है आपको देखिए ये वर्ग है तो इसकी बुझा को बुधा से गुणा कर देंगे सोलह आ जाएगा ये भी वर्ग है इसकी बुझा को बुधा से गुणा कर देंगे चार को चार से कर देंगे सोलह आ जाएगा ये भी वर्ग है इसको भी चार है इसकी बुझा भी देखो ये चार है इधर चार है तो ये भी सोलह आ जाएगा इसका भी चार चार सोलह आ जाएगा यानी गुणा करना आपको चार को चार से इधर भी चार को चार से गुणा करेंगे तो सोलह आ जाएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया सोलह बत्तीस अड़तालीस चौसठ और अस्सी तो टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अस्सी वर्ग सेमी आगे आपको दिया गया तेरह वर्ग किस आकृति का क्षेत्रफल देखना आपको कौन सी आकृति में तेरह वर्ग है एक दो तीन चार ये पांच हो गया ये छह हो गया इसका कितना छा अच्छा है इसमें देखें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो इसका आ जाएगा तेरह इसमें देख लीजिए एक दो और ये हो गई तीन ये होगी चार ये हो गई पांच और ये इसका कितना आएगा छ आएगा ऐसे इसको जो देख सकते हैं एक दो तीन चार और ये पांच छ हो गई सात आठ नौ दस इसका कितना आएगा दस आएगा तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है सॉरी तेरह वर्ग किस आकृति का क्षेत्रफल है तो ये ख वाली आकृति का क्षेत्रफल है तो ये अपने यहाँ पर तीन कार्य पत्रक हो गए और साथ में हो गया आपका अगला नंबर चौदह तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे बाकी आगे वाले जो कार्यपत्रक है और आग लन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं साथ में वीडियो को शेयर भी करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद